हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शिवम तिवारी, जहां पे चल रही हमारी TYBF क्लास सेम 5 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग 5 की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारा अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर में इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे जो टाइप अभी आप पढ़ रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, आगे पढ़ने वाले हो कुछ और क्लास, क्योंकि ध्यान रखना अभी तो हमने स्टार्ट किया है, कल हमारी पहली क्लास हुई, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने के चांस रहते हैं, क्लियर है। आज सेकेंड क्लास है तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आई होप हर एक बच्चों को पहले से क्लियर है, क्लास वन से जो बच्चे देख रहे हैं, और जिन बच्चों को वीडियो देखने या ढूंढने में कोई दिक्कत हो रही है मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स के नाम पे, वहाँ पे आप जाओगे तो लाइन टू लाइन आपको क्लास देखने मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन आपके सामने दिख जाएगा भाई, ग्रॉस लायबिलिटी मार्क अनमार्क का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सिर्फ जो फर्म अंडरराइटिंग का न्यू कॉन्सेप्ट है वहां पे बातें हम लोग करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ABC लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने इशू किया कितना 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इच एट 15 पर शेयर। अब ये जो 10 या 15 का जो कॉन्सेप्ट है, मीन्स फेस वैल्यू प्रीमियम का जो कॉन्सेप्ट है, इस समय पूछा नहीं है लेकिन मैं करा दूंगा क्या यूज होता है। इसका यूज सिर्फ कमीशन के टाइम पे होता है, जब हम लोग कैलकुलेशन कमीशन करते हैं तो कमीशन भी इस समय मैं निकल मीन्स कैलकुलेट करवाऊंगा आपका। आगे देखे रखा है PQ and R, कितने अंडर राइटर हैं भाई 3, तो मैं नाम लिख रहा हूँ, पहला अंडर राइटर कौन है P, नेक्स्ट कौन है Q, लास्ट है R, कोई डाउट तो नहीं किसी को, एंड लास्ट में अपना टोटल का टेबल कर लेना। क्वेश्चन रीड करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना था भाई 3 लाख, तो इसका मतलब टोटल कितना आ गया, टोटल कितना आ गया, क्लियर है, डाउट नहीं है। देखो ना रेशियो कितना देके रखा है 3:1 का, सबको दिख गया 3:1, किसी बच्चे को डाउट नहीं है 3:1, कैलकुलेट करो, कैंसिलो रेशियो निकालो जरा, 3 लाख मल्टीप्लाइड 3 डिवाइड बाई टोटल मीन्स 6, कितना आया 1,50,000। चलो नेक्स्ट निकालो, 3 लाख मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 6, डिवाइड बाई 6 मीन्स टोटल लेना, ध्यान रखना आप लोगों, तो लास्ट कितना आएगा 50,000। मुझे नहीं लगता ग्रॉस लायबिलिटी निकालने में किसी बच्चे को कोई डाउट है, सिंपल है सर, जितना भी इश्यू है अगर पूरा कंप्लीट अंडरराइटर को मिल रहा है, रेशियो क्लियर मेंशन होगा, रेशियो दिया होगा या फिर परसेंटेज फॉर्म में दिया रहेगा, तो उसको अपने को करना पड़ेगा। और रेशियो निकालना तो बहुत आसान है, कैलसी हमारे पास है सर, टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई पहले का रेशियो डिवाइड बाई टोटल, फिर से अमाउंट दूसरे का रेशियो डिवाइड बाई टोटल कर लेना। चलिए आगे सबको बढ़ाएंगे, क्या बोला गया इंपॉर्टेंट जहाँ पे चीज आएगा वहाँ मैं हाईलाइट करा दूंगा क्या बोलना चाह रहे हैं। विद द प्रोविजंस ऑफ फर्म अंडर राइटिंग ऑफ 20,000, 14,000 and 10,000, क्या आ गया फर्म अंडर राइटिंग। अब अपने को ये पता करना रहेगा सर, मीन्स आप लोगों को और मुझे ये पता करना रहेगा सर, फर्म अंडर राइटिंग का कौन सा केस आएगा भाई, पहला केस या फिर सेकेंड केस, आगे लाइन क्लियर मेंशन करेगा बताऊंगा भाई ये केस, इसलिए मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ। आगे का डिटेल्स जब हम लोग पढ़ेंगे, आगे का डिटेल्स पढ़ते हैं। अप्लीकेशन रिसिप्ट जो हुआ है 2,40,000 शेयर्स एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मेंशन है, ध्यान से रखो, यहाँ पे नोट कर दो इसको, यहाँ पे नोट नहीं यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ ऑलरेडी, तो मैं लास्ट में नोट करा रहा हूँ, 240 टोटल है, ध्यान रखना टोटल है, अगर एक्सक्लूड वर्ड नहीं आता तो 240 टोटल अप्लीकेशन है, टोटल में मार्क अनमार्क फॉर्म अंडरराइटिंग इंक्लूड होता है, तीनों इंक्लूड होता है, अगर एक्सक्लूड वर्ड नहीं लिखा होता तो, बट यहाँ पे लिखा है तो फॉर्म अंडरराइटिंग को हटा दो, फॉर्म अंडरराइटिंग को हटा दो, इसका मतलब है 240 हमारा मार्क अप्लीकेशन और अनमार्क अप्लीकेशन का टोटल आएगा, क्लियर, किसी को डाउट नहीं है। अगर एक्सक्लूड वर्ड नहीं लिखा होता तो इसका मतलब फॉर्म अंडरराइटिंग उसमें इंक्लूड है, किसी को डाउट नहीं है, 240 टोटल है, टोटल का मतलब यहाँ पे इस सब में मार्क और अनमार्क की बात कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन बढ़ाएंगे, क्या बोला गया है, मार्क अप्लीकेशन देके क्लियर मेंशन कर रहे हैं, इजी है, पी का कितना है मार्क अप्लीकेशन 60,000, पी का मार्क अप्लीकेशन कितना है 60,000,
क्यू का कितना दे के रखा है क्वेश्चन में? 50 और लास्ट का 60, 50 और लास्ट का 60, टोटल कितना आया? 170। किसी को डाउट तो नहीं है? चलो डाउट नहीं है तो ये मार्क एप्लीकेशन क्या होता है हमारा? माइनस, माइनस कर दो, कितना आया? 90,000। सेकेंड 50,000। नेक्स्ट 10,000। निगेटिव 10, निगेटिव ना। टोटल कितना? 1,30,000। मैच हो जाएगा ना अपना, 3 से 170 माइनस किया 130, यहाँ से भी मैच कर लो, 90 प्लस 50 140, 10 माइनस हुआ तो 130, मैच हो गया। तो टोटल मार्क एप्लीकेशन कितना है? मार्क एप्लीकेशन कितना है? 170। देखो ना, 240 टोटल एप्लीकेशन था, मार्क कितना हुआ? 170। कहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को? देखो ना, सामने तो दिख रहा है, 240 टोटल एप्लीकेशन था, मार्क एप्लीकेशन 170 हर एक बच्चे को दिख रहा है, क्लियर है। अनमार्क लिखने से पहले पहले ये देखना पड़ेगा हमें कि फॉर्म अंडरराइटिंग का पहला केस है या फिर सेकंड केस है। सेकंड केस आएगा तो मैंने बट वर्ड लगा दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ चेंज हो जाएगा। क्या है देखो ना, पहले क्लियर करो कि फॉर्म अंडरराइटिंग का केस कौन सा है। अगर क्वेश्चन मैं रीड करूंगा आगे, कंप्यूट द लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर एज रिगार्ड द नंबर ऑफ शेयर टू बी टेकन अप अज्यूमिंग दैट द बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन, इज नॉट गिवन, क्लियर बोल रहा है भाई, इज नॉट गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर। इसका मतलब सेकंड कॉन्सेप्ट है, सेकंड कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे लाइन सुनो ना क्या बोला मैंने, बताया फॉर्म अंडरराइटिंग ऐड होगा, मतलब इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट आएगा ई के बाद क्या आएगा? एफ। अब यहाँ पे ऐड होगा, ऐड होगा डायरेक्टली, माइनस नहीं होगा, ऐड होगा कौन सा? फॉर्म अंडरराइटिंग। क्या फॉर्म अंडरराइटिंग, क्लियर? लेस नहीं होगा, लेस किस केस में होगा? पहले केस में। बट यहाँ पे क्लियर बोला था भाई, जो बेनिफिट है फॉर्म अंडरराइटिंग का वो गिवन नहीं है इंडिविजुअल अंडरराइटर को, मैंने बताया था ऐड कर देना, बट बट वर्ड लगा। अब बट का यूज करना क्या है वो देखो, इधर 240 टोटल था, मार्क एप्लीकेशन कितना है 170, तो अनमार्क कितना हुआ 70। अब देखो ना इस लाइन का क्या मतलब होता है, ये लाइन का ये मतलब है कि इंडिविजुअल अंडरराइटर को उसका बेनिफिट नहीं मिला है, इसका मतलब जो फर्म अंडरराइटिंग है उसको ट्रीट करना है अनमार्क एप्लीकेशन, मतलब जो अनमार्क आपका 70 ये तो है ही, इसके साथ में ऐड हो जाएगा फर्म अंडरराइटिंग। तो फर्म अंडरराइटिंग कितना दिया था? फर्म अंडरराइटिंग कितना है? पी का कितना है? 20,000, दिख रहा है कि नहीं? 20,000 कैलसी ले लो, ऐड करते रहो। सेकंड का कितना है? क्यू का कितना है? 14,000 ऐड करो, 10,000 ऐड करो, कितना है टोटल? 44 टोटल आया कि नहीं आया? ये तो यहाँ लिख ही रहे हो, लेकिन मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो देखो, उधर फॉर्म अंडरराइटिंग जो टोटल आएगा वो अनमार्क में ऐड करना है, ऐड कर दो, 1,40,000। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट करो, इंपॉर्टेंट हाईलाइट करो और फिर से समझो ये क्या कॉन्सेप्ट है। 240 टोटल एप्लीकेशन है जिसमें फॉर्म अंडरराइटिंग नहीं है, एक्सक्लूड वर्ड आया था नहीं है, तो मार्क एप्लीकेशन हमें क्लियर पता चला, तो बैलेंस कौन सा हो गया? अनमार्क। बट इस केस में, सेकंड केस में जिसमें एक क्लियर लाइन बोला है भाई बेनिफिट फॉर्म अंडरराइटिंग का इंडिविजुअल अंडरराइटर को नहीं दिया जाएगा, इसका मतलब फॉर्म अंडरराइटिंग को ट्रीट करना है अनमार्क एप्लीकेशन के जैसा। तो अनमार्क 70 पहले से था, जो फॉर्म अंडरराइटिंग है वो ऐड हो जाएगा और बनेगा हमारा अनमार्क एप्लीकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है जहाँ बच्चे मिस्टेक्स कर सकते हैं वो ये इंपॉर्टेंट है। अब अनमार्क डिवाइड किस पे होगा? अनमार्क डिवाइड किस पे होता है? ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो पे। तो ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो कितना है? 3:2 कैलसी ले लो, 114 × 3 डिवाइड बाई टोटल ले लो, कितना आ रहा है बताओ? 57,000। कितना आया? 57। सेकंड का कितना आ रहा है? लास्ट 19।
माइनस होगा, बैलेंस बचेगा 90 में से 57 माइनस कर दो 29 नेगेटिव आ रहा है, और ये माइनस करो 16. बैलेंस मिला, ऐड करना था फॉर्म अंडरराइटिंग, बट उससे पहले देखो ना ये नेगेटिव चल रहा है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ध्यान रखना अगर नेगेटिव आए तो नेगेटिव को पहले पॉजिटिव कन्वर्ट करो, देन फॉर्म अंडरराइटिंग ऐड होगा, तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना समझ में आया, फॉर्म अंडरराइटिंग बाद में ऐड करना है क्योंकि नेगेटिव में चल रहा है, नेगेटिव में चल रहा है तो इनको पहले पॉजिटिव करो, और पॉजिटिव कैसे करना है ऑलरेडी हर एक क्लास में हम लोग देख चुके हैं। तो देखो ना नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, क्रेडिट एडजस्ट करना पड़ेगा, और क्रेडिट एडजस्ट करना बहुत आसान है, जो निगेटिव है उनको पॉजिटिव कर दो, और इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, रिमेनिंग जो दो बचेंगे अंडरराइटर, कौन कौन बच रहा है, पी एन क्यू, एंड इसका रेशियो क्या है 3:2, तो 3:2 पे डिवाइड कर दो इनको 17,400 कितना है 17,400। चलिए सेकेंड को 11,600 आ रहा है इतना, बैलेंस निकालो जरा, बैलेंस बताओ फर्स्ट फर्स्ट का, नेक्स्ट नेक्स्ट 0 और लास्ट में 16,000 टोटल लिख लो, या फिर दोनों का ऐड करके देख लो 16,000 ही आएगा। ये आपने कैसे निकाला बैलेंस, ई में से एफ माइनस किया, ई माइनस एफ पॉजिटिव हो गया, अब पॉजिटिव होने के बाद ऐड करना फॉर्म अंडरराइटिंग, अब ऐड होगा आपका कौन सा फॉर्म अंडरराइटिंग, अब ऐड होगा फॉर्म अंडरराइटिंग कितना आया था क्वेश्चन में, कितना दिया था 20, 14, 10 टोटल कितना आया था 44। चलो ऐड कर दो, ये आपका लास्ट आया फाइनल आंसर मींस नेट लायबिलिटी कितना है 35,600 सेकेंड 14,400 नेक्स्ट 16 टोटल आपको मैच कर लेना है 16 + 44 = 60 और इसका भी टोटल कर लो देख लो 35,600 + 14,400 50,000 + 10 हो गया 60,000 इजिली मैच हो गया। क्लियर कॉन्सेप्ट है यहाँ तक, देखो ना जो न्यू कॉन्सेप्ट बना वो जरा इंपॉर्टेंट है, पहला तो फॉर्म अंडरराइटिंग पहचानना है पहली केस है कि सेकंड केस है, पता चला क्वेश्चन क्लियर मेंशन कर रहा है कि जो फॉर्म अंडरराइटिंग है उसका बेनिफिट इंडिविजुअल अंडरराइटर को नहीं मिलेगा, मतलब ये समझ में आ गया सर हमें सिर्फ फॉर्म अंडरराइटिंग ऐड करना लास्ट में, और ध्यान रखना जो फॉर्म अंडरराइटिंग है एक्सक्लूड वर्ड लिखा था, इसका मतलब है कि वहाँ पे जो फॉर्म अंडरराइटिंग रहेगा उसका कंप्लीट बेनिफिट अनमार्क में मिलेगा, मीन्स अनमार्क में ऐड करना है, अनमार्क कितना आया था 70 में प्लस ऐड कर दिया 44 तब जाके ये 14 यहाँ हाईलाइट करा तो इसका मतलब ये मोस्ट आईएमपी चीज़ है, ऐसे ध्यान रख लेना। क्लियर है, ये अगर समझा तो आगे का कॉन्सेप्ट हमारे लिए काफ़ी सिंपल है, नेट लायबिलिटी कैसे निकाला आपने ये माइनस एच, और ये तो एक्चुअल में था मीन्स गिवन पार्ट में था, क्लियर है क्लियर समझा। अब देखो इसी टाइम ना कमीशन का भी समझ लो, क्वेश्चन में कमीशन तो बोला नहीं है बट कमीशन का जो डाउट आ रहा था ना बार बार कि सर कमीशन कैसे निकालेंगे, कमीशन देखो जरा लास्ट में देखो दिख रहा है क्या, नीचे है दिख रहा है, नहीं इधर दिख रहा है क्या यहाँ पे, चलो ठीक है। तो देखो मैं आपको कमीशन यहाँ पे सिखा दे रहा हूँ बहुत ईजी वे में कैसे आप कमीशन निकाल लोगे, नंबर ऑफ शेयर पहले अंडर राइटर का कितना है, कहाँ से मिलेगा सर ग्रॉस लायबिलिटी से, कितना है
तो देखो ना इजी लिखो, कमीशन निकाल रहा हूँ 150, चलो मैं और ऊपर थोड़ा सा लिख देता हूँ 150। नंबर ऑफ शेयर सेकंड का नंबर ऑफ शेयर कितना है, थर्ड का नंबर ऑफ शेयर कितना है, ये तो हर एक बच्चे को दिख रहा है सर, ग्रॉस लायबिलिटी से निकल जाएगा। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई शेयर की वैल्यू जरा देखो, जहाँ पे मैंने बोला था अब यूज होगा, शेयर नंबर ऑफ शेयर कितने थे 3 लाख, इनटू फेस वैल्यू क्या था 10, बट प्रीमियम पे इश्यू हो रहा है तो प्रीमियम कितना है 15, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर की वैल्यू कितना हो गई 15, तो मल्टीप्लाई कितना करना है 15, मल्टीप्लाई कितना करना है 15, मल्टीप्लाई कितना करना है 15। क्लियर हो गया। अब जो भी रेट ऑफ कमीशन दिया होगा, अब एग्जांपल यहाँ पे दिया नहीं है बट मैं 5% का एग्जांपल ले रहा हूँ, कितना 5% इनटू 5% इनटू 5%, क्लियर समझा, कितना आ गया पहले का 1 लाख, सेकंड का बता दो 75, चलो लास्ट बताओ 37,500। अब इसका इजीली आप फॉर्मूला भी बना सकते हो, कैसे, नंबर ऑफ शेयर इनटू इशूड प्राइस, इनटू इशूड प्राइस लेना, ध्यान रखना प्रीमियम पे हुआ है कि फेस वैल्यू पे हुआ है, मींस पार पे हुआ है कि डिस्काउंट पे हुआ है, जिस पे होगा वो इनटू रेट ऑफ कमीशन, फॉर्मूला इजी हो गया कमीशन का, नंबर ऑफ शेयर इनटू इशूड प्राइस इनटू रेट ऑफ कमीशन करके आप कमीशन निकाल सकते हो। क्लियर समझा है, आई थिंक हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट समझा होगा, फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TYBF वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।